please give an energetic and warm welcome to Sunil Pal. Yes. Yes. Thank you, everyone, applause for him. Namaskar. Back here. एक हमारे पास में ऑप्शन हम Q&A सेशन से शुरू कर सकते हैं, एक हाँ. है कि आप अपना कुछ हल्का फुल्का कुछ परफॉर्मेंस जैसे मर्जी सुनना चाहेंगे. मुझे लगता कि जो मोटिवेशन सर करते हैं उसको रियल मोटिवेशन कहते हैं, बाकी तो आज जिसको पत्थर मारो भीड़ में, जिसको लगेगा वो मोटिवेशन स्पीकर ही होगा. हर आदमी मोटिवेशन जिसको देखो अपना यूट्यूब का चैनल खोल के बैठा है, काल करो स्वाच आज करो अभी, क्यों इंतजार करो, अभी करो वेट मत करो. दूसरा उसका भाई, जल्दबाजी मत करो. सही मोटिवेशन स्पीकर को अगर हम फॉलो करेंगे तो इनका क्या है जीवन की इन्होंने जो उतार चढ़ाव रियल में देखा, जीरो से हीरो का सफर, तो प्रैक्टिकली अगर हमको बताते हैं तो हमको मजा आता है, सुनने में अच्छा लगता है, क्योंकि हम भी अपनी लाइफ से रिलेट करते हैं. हम भी कहने गए ऐसे गिरते पड़ते आए, ये नहीं कि मैं पीके टाइट था. कुछ करने का नशा जो था ना वो हमें गिरते पड़ते एक जगह पे लाके खड़ा किया. आज मैं संदीप माहेश्वरी जी के सामने बैठा हूँ, ये मुझे यकीन नहीं हो रहा अभी तक. मतलब अरे सर क्या बात, रियली प्राउड. सर कोई एक आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस या ये कह लो जो सबसे पॉपुलर परफॉर्मेंस है वो हो जाए कुछ. सर आप क्या सुनना चाहेंगे, बॉलीवुड सुनना चाहेंगे, हॉलीवुड सुनना, मिमिक्री किसी तो की, कुछ दो चार कलाकार की आवाज सुना दूं? हाँ प्लीज सबसे बीच बीच में अगर थोड़ी बहुत मेरी भी करते हैं तो और मजा आ जाएगा. इनकी अगर मैं नकल करता तो मैं आज यहाँ नहीं होता. क्या बात है. इनकी नकल के लिए वाकई अकल की जरूरत है और शक्ल की भी. देखिए पहला ऐसा बंदा है जो खूबसूरत है, सूरत से भी और सीरत से भी. तो कुछ कलाकारों की आवाज अगर आपकी रिक्वेस्ट मतलब आप कह रहे हैं तो मैं कोशिश करता हूँ. पंकज त्रिपाठी. संदीप जी बढ़िया. अच्छा क्लास लगाया आपने. मुन्ना मुन्नी बलिदान करना पड़ेगा और तुमको कन्यादान करना पड़ेगा. बहुत जाओगे दूर, फ्रॉम दिल्ली टू मिर्जापुर. बहुत दूर. बढ़िया, बहुत बढ़िया सर. मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री है, बहुत ही प्यारे. घूमना फिरना बचपन से बहुत घूमते फिरते रहे, जब समय था तो पैदल चले, फिर साइकिल पे, फिर बस से, फिर ट्रेन से, अब फ्लाइटों से, चलते रहते हैं रुकते नहीं, अच्छी बात है. अब आप देखिए कि जब भी वो भाषण देंगे या बात करने लगेगा हवाई जहाज में बैठे हैं, उनके आवाज में भी हवाई जहाज का इफेक्ट आने लगा है. मित्र क्या संदीप जी को इतना बढ़िया कार्य करने के लिए बधाई देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? ऐसे नहीं, खुल के बोलिए, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? मित्रों मत रो. अब आप इनको बधाई दे दीजिए और आपको मैं अपनी तरफ से एक पार्टी दूंगा, भारतीय जनता पार्टी. मजा है. और ये मजा मैं किसी को नहीं दूंगा. चलो अरविंद जी की बात करते हैं, अरविंद जी की बात करते हैं. देखिए जी सीधी सी बात है जी. देखिए जी हमें भ्रष्टाचार दूर करना है जी. ये सब लोग सपोर्ट करेंगे जी. Ha 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 ha!
आपको बताओ हिमेश रेशमिया जी ने अरविंद जी के लिए गाना गा दिया है। ये कब हुआ? आप दिल्ली में जब जाएंगे, देखिए दिल्ली में हर जगह पे आपको केजरीवाल जी के फोटो मिलेंगे, तो उस थीम को रखते हुए केजरी अपना हिमेश जी ने गाना गा दिया दिल्ली की दिल्ली की सारी दीवारों सारी दीवारों पे मीनारों पे नाम तेरा तेरा फोटो तेरा तेरा पर्चा तेरा तेरा चर्चा तेरा तेरा तो फिर पब्लिक ने कहा फिर हमारा क्या खर्चा तेरा बात कसम माता बात का भाई का माता बाप का भाई का सबका कसम खा के नवाजुद्दीन मोटिवेट हो जाएगा आज के दिन आज में रोते हुए आता है इधर रोते रोते आता है इधर और इनका मोटिवेशन सुन के आज मैं सही जगह पे आया हूं। ये जो इंसान है यही मुझे पॉजिटिव कर सकता है क्योंकि मैं टोटल नेगेटिव हूं, क्योंकि मेरे नाम में डबल ना है, ना है डबल ना अरे बायकॉट वालो कहो बायकॉट करने से कुछ फायदा नहीं होगा, सीखो इनसे सीखो अरे सीखो गोविंदा जी हाँ अरे बाबू जी अरे कमाल इनको ऊपर वाले की आवाज है, ऊपर वाला जो है इनके ऊपर मेहरबान है, अच्छे थोड़ दिए आप लोग यूथ हो नीचे और बन जाए हीरो नंबर वन सोनी भाई मुझे याद आ गया मुझे याद आ गया क्या बात है क्या बात है इस आदमी के पास छोटे छोटे बच्चों के साथ आया था अब वो बच्चे मोटे उठ के बड़े बड़े बच्चे हो गए सर आपको किस चीज ने ज्यादा इंस्पायर किया कॉमेडी करने के लिए, या आप शुरू से ही नेचर में था या फिर किसी से इंस्पायर होकर आपने ये शुरू किया? संदीप मैं तब संदीप महेश्वरी था ही नहीं, उसने शुरू ही नहीं किया था। मगर एक बात बताऊं आपको, ये मेरे से बहुत पहले के हैं। बहुत अच्छी बात है, क्या इत्तेफाक है, मेरा पहला शो महेश्वरी भवन में हुआ था। क्या बात है, ये कौन से साल की बात है ये? एग्जैक्टली मैं आपको बताता हूँ, ये 91 की बात है। उस टाइम पे तो कॉमेडी वगैरह ये सब इतना होता ही नहीं था, तो आप मुंबई आए होंगे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप आए होंगे वहां पे मूवीज में काम करने के लिए। मूवीज में भी काम करने के लिए आया था, कुछ उस जमाने में ऑर्केस्ट्रा का दौर था, यहाँ दिल्ली में भी आपने सुना होगा। राइट राइट, ऑर्केस्ट्रा बहुत चलते थे, गणपति प्रोग्राम में, गणेश जी के प्रोग्राम में, दुर्गा प्रोग्राम में, पंडालों में ऑर्केस्ट्रा चलते रहते थे, तो वहाँ एक एंकर और कॉमेडी की जरूरत पड़ती थी। बिल्कुल, सिंगर जैसा, सिंगर चाय पी ले जाएगा ना, उसका गला खराब हो गया, उसका कपड़ा बदलने गया, कुछ करने, तो उस टाइम को फील करने के लिए कर ले रहे, कर रहा हूँ सुन, ज्यादा टाइम पास मत करना, ज्यादा बोर मत करना, ठीक है? तो वो अपना आइए शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन,
अमरीश पुरी जो भी अपने टूटे फूटे अंदाज में कर रहे हैं और जो भी मिलता था, तो वो वहाँ से प्रैक्टिस करते करते, हाँ लेकिन ये आपके इस बात से ही कि उद्देश्य तो फिल्मों में आना था, तो बाजू बाजू में फिल्मों में स्ट्रगल करते थे, लेकिन फिल्म वाले बहुत काम देते नहीं थे, इसलिए फिर मैंने ऑर्केस्ट्रा करना किया। तो ऑर्केस्ट्रा में राइट फ्रॉम ही मैन कहते थे वहाँ पे, मतलब सामान उठाने वाला, ड्रमर का ड्रम उठाना, उसका ये करना, पर्दा लगाना, बैक स्टेज करना, ये करना, वो करना, उसके इंक्लूडिंग मैं अपना परफॉर्म करता था और पेमेंट मुझे एक ही चीज़ का मिलता था, लेकिन खुशी इस बात की थी कि उसके बदले परफॉर्मेंस करने का मौका मिल रहा है मुझे। तो ये सारा स्टेज का एक्सपीरियंस जो था पिछले 7-8 साल से जो मैं जमा कर रहा था, फिर अचानक फ़ोन आया कि जिमी मोज़ेस जो हमारे गुरु हैं उनका, हाँ कहाँ है तू, एक ऑडिशन दे के आ जा। मैंने कहा वो कुछ शुरू हो रहा है, कोई लैपटॉप रख जा, तो वहाँ गया मैं और वहाँ लैपटॉप का ऑडिशन दिया। तो जो कुछ ऐसा जितना भी करता था छोटा बड़ा सब उनको सुना के आ गया। फाइनली उन्होंने बोला कि ठीक है बस कर यार, देते बताते तुझे कि जब भी तेरा रहेगा, तो काफ़ी सुनाया तूने ठीक है। तब आपने शायद सोचा नहीं होगा इतना बड़ा हो जाएगा। हाँ किसी ने पॉपुलर हो जाएगा और इतना, किसी ने भी नहीं सोचा था उसमें से। उसमें तो चैनल का भी पता नहीं था, चैनल भी नया आया था, सब कुछ नया नया था, हम लोग भी नए, मतलब वो पहला ही वो था सीजन, उससे पहले इस टाइप का कोई शो भी नहीं आया था। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, कुछ था ही नहीं, तो वो सब चीज़ें नई नई थी। 4 दिन का ही उनके पास में बजट था। हाँ और बजट किसको था, सिद्धू साहब को, शेखर जी को, बाकी एक परिजात भी उसमें बेचारी नहीं थी। हाँ। उसको जो टोकन अमाउंट जो दिया हुआ, और हम तो सब तो फ्री में थे। अच्छा हम सब फ्री में थे वहाँ पर, और वहाँ पर फैले हुए, कोई कॉमेडी कर रहा है, कोई इधर गाना गा रहा है, मतलब लग रहा था पागल खाने में आ गया मैं। आप सोचिए 50 कॉमेडी में से एक साथ में घूम रहे हैं। हाँ, सही बात, कोई किसी को सुन नहीं रहा, सब सुना रहे हैं। सुनना मैंने शाहरुख की, तू छोड़ मैंने पहले मेरी सुन, मेरी आमिर खान की आवाज सुन। सही बात है, कर रहे हो कर रहे हो। मगर वो जो मजा था उसी में भगवंत मान, कुकी जी, उसी में राजेश श्रीवास्तव जी, मतलब लेजेंड्स सब आए। 13 एपिसोड शूट हुए थे उनके, तो हर दिन में 3-4 एपिसोड शूट करते थे वो लोग, क्योंकि कंटेंट तो सबका अपना ही था ओरिजिनल। उनको तो खाली जाके वो परफॉर्म कर रहे हैं, रिकॉर्ड करना है, बाद में एडिट करना है, खाली एक्शन कट बोलना है। हां ठीक है, और जज को भी लिख के नहीं देते थे, वो ऑन द स्पॉट जो बोलना है। आप देखिए सिद्धू जी के बहुत सारे शेर हर बार रिपीट हुए, क्योंकि पिछली बार क्या बोला वो भूल जाते थे। ओए गुरु, ओए गुरु तू छा गया, दिल पे आ गया, तू गुरु नंबर वन है, तू अपने आप में उपमन है, गुरु ठोको ताड़ी। तो जब वो आप शो जीते तो उसके बाद में कुछ अमाउंट भी मिला होगा आपको? उसमें नहीं मिला था। अच्छा उसमें नहीं मिला था, 1 रुपए में पहली बार में 1 रुपए में नहीं मिला, लेकिन रिकॉग्निशन मिल गया, बहुत रिकॉग्निशन मिला। मैं जितना शुक्रगुजार हूँ उस शो का, उस शो के डायरेक्टर पंकज सरस्वत का, हमारे सारे गुरुओं का, हमारे सारे को कलाकारों का जो हमारे साथ में थे, सीनियर जूनियर सबका, वहाँ की ऑडियंस का और जनता का, जनता का जितना और ऊपर वाले का, जितना मैं शुक्रगुजार, मैं हर पल शुक्रिया अदा करता हूँ कि भैया जैसे कहते हैं कि हमें तो कोई चीज़ की होप ही नहीं थी, जो मिला वो 100 गुना मिला, और कह सकते कि कुछ रहम ही हुआ हम पर, हम लोग डिजर्व नहीं, मैं तो डिजर्व नहीं करता, ऊपर वाले ने कुछ ना कुछ रहम किया कि भैया चल तेरा बहुत तेरा बुरा हाल हो रहा है। अच्छा उस वक्त रतन नूर का देहांत हो गया था, रतन नूर जो मुझे आप उनका रोल करते थे जी, हाँ वो उनका कैरेक्टर करता था। हाँ, मेरे को याद है टीबी के मरीज थे वो, उनका देहांत हो गया। रतन नूरा जी वो आपसे कैसे रिलेटेड थे, मतलब आप जिस एरिया में मैं स्ट्रगल करता था चाय की दुकान पे, तो वहाँ पे बाजू में खाने के होटल में एक टैक्सी ड्राइवर आता था, पी के टाइट, रात को पी के टाइट, खाना दो अबे देख कर आए बे साले, उठा के पटक दूंगा, पैरों तले कुचल दूंगा। उस साउथ इंडियन बड़े बड़े सेठ, मोटे मोटे सेठ उनको कह रहा है साले उठा उठा के पटकूंगा। वो साउथ इंडियन सेठ भी सोचते यार इसको क्या बोले, है जा रे खाना खत्म हो गया जा। का बोला बे, अरे खाना खत्म हो गया, हमको खाना नहीं खाना चाहिए। तो वो कैरेक्टर मुझे ऐसा लगा कि ये ऑटोमेटिक उनके साथ में रह के एक मजा आता था, उनके उनकी स्टाइल करता था, उनको भी सुनाता था साले हमारी नकल कर रहा है, खुश होते थे। तो मुझे लगा जब वो देहांत हुआ तो भगवान के पास जाकर उन्हें बोला होगा ये साला सुनील पाल जो जमीन पे भटक रहा है, भगवान हमको तो कुछ दे नहीं सके, हमारे हिस्से का इसी को दे दे। Let's give a big round of applause for him. Thank you. Love you all.
आप सब जियो हजारों साल, यही तहे से दुआ दे रहा है आपका कॉमेडी का लाल सुनील पाल, लव यू ऑल। बढ़िया।